रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन। बीएससी पार्ट वन जूलॉजी, पेपर थ्री गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। परिवर्धन जैविकी का नेक्स्ट चैप्टर रीजेनरेशन, जिसको कि हम पुनरुद्भवन कहते हैं, इसका पार्ट वन आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो हमें सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन क्या होता है, विच ऑर्गेनिजम्स कैन रीजेनरेट, वह कौन से एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस पुनरुद्भवन में पार्टिसिपेट करते हैं, यह टाइप्स ऑफ रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन कितने प्रकार का होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजेनरेशन, ओरिजिन ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन ऑफ टेल, लेंस एंड लिम, रीजेनरेशन एबिलिटी इन डिफरेंट एनिमल्स। इसके अंदर हम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, एनालिटा, ऑर्थोपोडा सब एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स कंट्रोलिंग रीजेनरेशन, वह कौन से कारक हैं जो पुनरुद्भवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देन इन द लास्ट वी हैव असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। पहला टॉपिक, व्हाट इज रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन क्या होता है। रीजेनरेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस इन विच इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू सेवरल पीसेस, ईच ऑफ इट्स पार्ट्स रीग्रोज टू द ओरिजिनल स्टेट। पुनरुद्भवन एक वह क्रिया है जिसके अंदर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को काट दें, उसके अलग अलग पीस कर दें, तो हर पार्ट ग्रो करके एक ओरिजिनल स्टेट में ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म बना देता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज सेल्स, ये स्पेशल सेल्स के द्वारा किया जाता है जिनको कि हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर विद वेरी फ्यू स्पेशलाइज सेल, ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है और जिनमें बहुत कम स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। Scientists are studying regeneration for its potential uses in medicines such as treating a variety of injuries and diseases. जो साइंटिस्ट हैं वो रीजेनरेशन को मेडिसिंस और बहुत सारी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं। रीजेनरेशन इज द सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोजेनेटिक इवेंट्स दैट रीस्टोर द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स आफ्टर इट्स पार्शियल और टोटल एम्पिटेशन। यह एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, रीजेनरेशन पुनरुद्भवन एक सीक्वेंस है जिसके अंदर की किसी भी एनिमल का अगर पूरा पार्ट कट गया या एक छोटा सा पार्ट कट गया तो वह रीजेनरेट हो जाता है, वह वापस से उग जाता है, तो इसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रीजेनरेशन होता है। रीजेनरेशन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, फ्लैटवर्म, टेपवर्म्स, दे हैव हाईली अडेप्टिव रीजेनरेटिंग एबिलिटीज। रीजेनरेशन इज वेरी प्रोमिनेंट अमंग मेटाजोअन्स, स्टारफिश, क्रेफिश, reptiles and amphibians also exhibit signs of tissue regeneration. It is not the same as reproduction in some animals such as lizards, the shed limbs regrows into the original organs. Sabse common example kiska regeneration ka ya punarudbhavan ka hum chipakli ke andar dekhte hain. आपने कई बार आपके घरों के अंदर भी इस नोटिस किया होगा कि छिपकली की पूंछ कट जाती है और जब वो पूंछ टूट जाती है, कट जाती है, तो थोड़े दिन बाद आप देखते हो लेकिन वो वापस लंबी हो जाती है, वापस रीजेनरेट हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली रीजेनरेशन। ये वेरी कॉमन एग्जाम्पल है जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं। रीजेनरेशन कैन हैपन इन मेनी डिफरेंट वेज यूजिंग प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। सम रीजेनरेशन डज नॉट रिक्वायर स्टेम सेल्स। After amputation, stem cells accumulate at the site of injury. The cells then start dividing to form the missing tissue. जैसे ही किसी कोई पार्ट कटता है
एम्प्यूट होता है तो वहां पे स्टेम सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये स्टेम सेल्स डिवाइड होके और जो पार्ट मिस हुआ है उसको बनाने उसको टिश्यू उससे टिश्यू बनाते हैं एंड देन दैट ऑर्गन बनाते हैं। तो इस प्रकार से रीजनरेशन का प्रोसेस होता है और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये रीजनरेशन पाया जाता है। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, यह जो पुनरुद्भवन है ये कितने प्रकार का होता है? एक्चुअली दिस रीजनरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज मॉर्फोलैक्सिस एंड अनदर इज एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस क्या है? दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन हैज लिटिल ग्रोथ एंड डिपेंड्स अपॉन टिश्यू रीपैटर्निंग। इसके अंदर इस टाइप मॉर्फोलैक्सिस के अंदर ग्रोथ बहुत कम होती है, ठीक है, और टिश्यू के पैटर्न के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे हाइड्रा ग्रोज बाय लॉस ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स एंड एंड बाय बडिंग। व्हेन कट इनटू टू द अपर पार्ट डेवलप्स इनटू फुट व्हाइल द लोअर पार्ट डेवलप्स इनटू हेड। अगर हाइड्रा का कोई पार्ट काट दे या उसको दो पार्ट में कर दें तो क्या होता है? वो ऊपर का पार्ट उसका फुट डेवलप करता है एंड लोअर पार्ट उसका हेड डेवलप कर देता है। दिस इज मॉर्फोलैक्सिस। एपिमॉर्फोसिस, दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ ऑफ न्यू एंड प्रॉपरली पैटर्न स्ट्रक्चर्स। For example, regeneration of a vertebrate limb, it involves cell differentiation and growth. ये जो epimorphosis है, इसका example है vertebrate का limb. इसके अंदर cell का differentiation और growth दोनों चीज required होती है. Not only growth, पहले cell का de-differentiation होना भी बहुत जरूरी होता है। The epidermis, जो epidermis के अंदर जो cells होते हैं, they form blastema. The blastema give rise to structure with positional distal values. Retinoic acid changes proximal distal values in limb regeneration. इसके अंदर सबसे पहले epidermal cell blastema बनाते हैं और ये blastema जो हैं, ये cells अलग प्लास्टेमा सेल्स अलग अलग पोजीशन लेके और अलग अलग स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और इसके अंदर जो लिम रीजनरेशन है इसके अंदर रेटिनोइक एसिड जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ यू कैन सी दिस हाइड्रा, ये हाइड्रा है, इसका एम्पुटेशन हुआ, दिस इज हाइड्रा, इसको हमने बीच से काटा, दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट। आफ्टर रीजनरेशन दिस डेवलप्ड इनटू कंट्रोल कंप्लीट हाइड्रा, इसने अपना लोअर पार्ट डेवलप कर लिया और ये जो है इसने अपना अपर पार्ट डेवलप कर लिया, इनकी ग्रोथ हुई और कंप्लीट दो हाइड्रा हमें मिल गए। हाइड्रा क्रॉस एम्पुटेशन ऑफ हाइड्रा लेड एवरी पार्ट टू रीजनरेट टू होल हाइड्रा स्पीशीज। कंप्लीट हाइड्रा स्पीशीज हमें यहाँ पे मिल गई है बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इन हाइड्रा वेयर आफ्टर एम्पुटेशन रीजनरेशन टेक्स प्लेस एंड देन आफ्टर ग्रोथ वी गेट कंप्लीट स्पीशीज और होल स्पीशीज ऑफ हाइड्रा। This is regeneration in planaria. The planaria contains neoblast cells which migrate towards the amputated region and form the lossing part. Planaria के अंदर neoblast cells होते हैं जो कि जहाँ से कट लगा होता है वहाँ पे जाके वहाँ वो migrate करके और वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उस जगह पे जाके उस losing जो part lose हुआ है उसको डेवलप करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अ प्लेनेरिया, कैन यू सी दिस प्लेनेरिया, वी हैव कट इट इनटू थ्री पार्ट्स, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट्स। दीज आर थ्री फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्लेनेरिया, वन टू एंड थ्री। नाउ यू कैन सी दैट
All these three parts developed into new planaria, daughter planaria. This developed the lower part, this developed upper and lower part, and this developed the upper part. And in this way, complete planaria has been formed and we get these daughter planarias. This is how it is possible. It is because of regeneration. यह जो प्लेनेरिया में कट हुआ और उसके बाद नया प्लेनेरिया डॉटर प्लेनेरिया बना वो कैसे संभव हुआ? केवल पुनरुद्भवन के द्वारा ही. सो पुनरुद्भवन के द्वारा हमें नए प्लेनेरिया प्राप्त होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनरेशन. पुनरुद्भवन के समय लगभग वही प्रक्रम देखने को मिलते हैं जो कि व्यक्ति वितरीय परिवर्तन ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के समय देखे जा सकते हैं. इस प्रकार ये संरचना मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस का पुनर्जागरण है. ऐसा कायांतरण व पुनरुद्भवन के समय ही होता है. इसके उपरांत यह पुनरुद्भवन ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कुछ भिन्न है क्योंकि पुनरुद्भवन करने वाली कोशिकाएं भ्रूण की कोशिकाएं की तरह प्लूरिपोटेंट नहीं होती तथा पुनरुद्भवन जिस फिजियोलॉजिकल वातावरण में होता है वह भी भ्रूण से भिन्न है. अगर हम इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं पुनरुद्भवन संरचनात्मक प्रक्रमों का पुनर्जागरण रीअवेकनिंग है. पुनरुद्भवन में विभेदित कोशिकाएं डी डिफरेंशिएट होकर री डिफरेंशिएट होती हैं. ठीक है, पुनरुद्भवन प्राकृतिक क्षतियों दुर्घटनाओं एवं प्रयोगकर्ता द्वारा की गई क्षति के उपरांत या परिणाम स्वरूप ही हो सकता है. पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग स्पीशीज में टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अलग अलग होती है. हाइड्रा छोटे भाग से पूर्ण हाइड्रा बन जाता है. सैलेमेंडर में ऐसा नहीं होता है परंतु उसका कटा हुआ भाग पुनः परिवर्तित हो जाता है. मनुष्य में अलबत्ता उनके शरीर के घाव जरूर भर जाते हैं बट ऐसा कभी नहीं होगा मनुष्य के अंदर कि अगर आपकी एक फिंगर कट हो गई है तो वहां पे नई फिंगर बन जाएगी. नो, दिस इज नॉट. तो हर स्पीशीज के अंदर डिपेंड करता है कि जो ये पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन कैपेसिटी कितनी है, किस लेवल तक है. ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रा के अंदर पूरा हाइड्रा बन गया लेकिन सैलेमेंडर के अंदर एक पार्ट ही बना और ह्यूमन बींग्स के अंदर तो वो पार्ट भी नहीं बनता है. एक ही जाति के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता को सामान्यतः जंतु आयु भी प्रभावित करती है. उच्चतर जंतुओं से आयु बढ़ने पर पुनर्भूत की क्षमता घटती जाती है. राइट, this is I think all about characters of punarudbhavan or regeneration. I'll continue this chapter with the next topic. Main is chapter ko yahi par samapt karti hu aur agli time main is chapter ko wapis continue karungi aage ke topic ke sath. Thank you.